प्रसाद जी पे जो पर्चा वगैरह बनता है, कहते हैं कि वो पर्चा वगैरह झूठ है, झूठा वीडियो होगा, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमारे गुरु महाराज जी ने ये बात कही है, आप पर्चा भी ना बनाएं, अपने घर पर ही आप पर्चा रखें, अर्जी लगाएं, तो आपका काम पूरा होगा। क्योंकि हमें अनुभव है, हमारा ये अनुभव है कि हमारा काम हो रहा है तो हम तो कहें हे सद्गुरु महाराज, सबका काम पूरा हो। तो अब गुरु महाराज की इतनी कृपा है हमारे ऊपर कि हमारी जो घर से हैं वो अपने आप कपड़े धोएंगी और थोड़ा झुक भी लेती है। गुरु महाराज की बहुत कृपा है हमारे ऊपर। आने का 100 रुपये, 10 रुपये भी नहीं थे, पता नहीं मेरे गुरु महाराज ने कैसे अर्जी लगाई, क्या करा क्या नहीं करा। हम लोग दौड़े 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 यहाँ चले, हमें कुछ नहीं पता। हम लोग हरिद्वार से आए हैं, माँ मनसा देवी के तट से, मंदिर से, और हम लोग जो हैं, हमारे जो घर से हैं उनको इसमें प्रॉब्लम है। उन्होंने हमारे यहाँ, हमारे करीब 1 महीना करीब हो गया है, 1 से 1.5 महीना लगभग हो गया है, तो उसमें जो है उन्होंने गुरु महाराज की अर्जी लगाई हुई है। और उनकी ये कंडीशन थी कि वो बेचारी झुक नहीं सकती थी, टॉयलेट वगैरह भी हम लोगों को उनको पकड़ के ले जाना पड़ता था। तो अब गुरु महाराज की इतनी कृपा है हमारे ऊपर कि हमारी जो घर से हैं वो अपने आप कपड़े धोएंगी और थोड़ा झुक भी लेती हैं और मतलब अच्छे से काम कर सकती हैं, मतलब इतना नहीं, मगर धीरे 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 गुरु महाराज की बहुत कृपा रही हमारे ऊपर। और जुड़े हम लोग करीब, हमें 1 से 1.5 महीना करीब हो गया है, हमने गुरु महाराज की अर्जी लगाई हुई है। और जैसे हमें गुरु जी ने आदेश करा था उसी ढंग से हमने अर्जी लगाई हुई गुरु महाराज की। और अर्जी लगाने के बाद हमने अपने घर में ही हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पर हमने रखी हुई थी अर्जी। अब आदेश जैसे हमें हुआ, हमारा कुछ नहीं था, हमका आने का 100 रुपये, 10 रुपये भी नहीं थे, पता नहीं मेरे गुरु महाराज ने कैसे अर्जी लगाई, क्या करा क्या नहीं करा। हम लोग दौड़े 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 यहाँ चले, हमें कुछ नहीं पता था। हम लोग हरिद्वार से 6 बजे चले और रात को 1:45 बजे करीब आके बुलंदशहर, एक चौराहा पड़ता है मालूम नहीं है, वहाँ पर आकर हम लोग उड़ चौराया वहाँ पर रुके, वहाँ कोई नहीं था, हमको कुछ नहीं मालूम था, हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। मगर गुरु महाराज ने एक रास्ता ऐसा दिया, एक गाड़ी वाला आके बोला कि भैया कहाँ जाना है, हमको इतना पता था कि रामलीला मैदान और प्राचीन शिव मंदिर वहाँ जाना है, हमको पूरा कुछ नहीं पता था। हम लोग वहाँ पहुँचे, वो कहने लगा भैया बंदे यहाँ पर जो है यहाँ पर कोई प्रोग्राम नहीं है। हम बड़ी मशक्कत से हम किसी के घर जाके, किसी बंदे ने, भाई समझ लो बालाजी की कृपा रही, हमारे गुरु महाराज की कृपा रही, एक बंदे ने हमें वहाँ पे ठहराया कि आप यहाँ पे रुको और सुबह आपको जो बस के साधन से आपको जाना है। अब कृपा ऐसी फिर कि जहाँ पे हम रुके, कुछ लोग हैं, मैं टोकना चाहूँ, कुछ लोग हैं जो भरोसा नहीं कर पाते हैं महाराज जी पे, जो पर्चा वगैरह बनता है कहते हैं कि वो पर्चा वगैरह झूठ है, झूठा वीडियो होगा, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमारे गुरु महाराज जी ने ये बात कही है, आप पर्चा भी ना बनाएं, अपने घर पर ही आप पर्चा रखें, अर्जी लगाएं, तो आपका काम पूरा होगा। क्योंकि हमें अनुभव है, हमारा ये अनुभव है कि हमारा काम हो रहा है तो हम तो कहें हे सद्गुरु महाराज, सबका काम पूरा हो। की जय, की जय।